आज मैं क्लास 9 की इंडिसेस चैप्टर से एक्सरसाइज 7 से क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 करके दिखाऊंगी। ये है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। इसमें है 8 डिवाइड बाय 125 होल टू द पावर माइनस 1/3। तो पहले हमें ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स है उसे हमें क्यूब में लाना है, क्योंकि ये क्यूब जब ब्रैकेट के बाहर आएगा तो क्यूब और 3 कट हो जाएगा और इससे हमें ये सम करने में आसानी होगी। सो वी कैन राइट 8 एज 2 क्यूब एंड 125 एज 5 क्यूब। अब हम क्यूब को ब्रैकेट के बाहर ले आएंगे। थ्री और थ्री कट हो जाएगा तो रहेगा 2/5 टू द पावर माइनस 1। माइनस 1 का मतलब है कि ये जो नंबर है ब्रैकेट के अंदर ये डिनोमिनेटर है, तो अगर हमें ये साइन माइनस साइन हटाना है तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। अब हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हमें जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिला है उसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। आंसर और ये है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। इसमें है 0.027 होल टू द पावर माइनस 1/3। पहले हमें ये जो डेसिमल नंबर है उसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हम ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स है उसे हम क्यूब में लाएंगे। अब हम क्यूब को ब्रैकेट के बाहर ले आएंगे। अब 3 और 3 कट हो जाएगा तो रहेगा ये जो माइनस 1 है, माइनस 1 का मतलब है कि ये नंबर डिनोमिनेटर है, तो हम माइनस साइन को हटा लेते हैं पहले। और अब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में टर्न कर लेते हैं। अब हम इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। आंसर और अब क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। इसमें है माइनस 1/27 होल टू द पावर माइनस 2/3। तो पहले हमें ब्रैकेट के अंदर का जो नंबर है उसे हम क्यूब में लाने की कोशिश करेंगे। तो 1 क्यूब, इसका मतलब 1 ही होता है, और 27 को हम लिख सकते हैं 3 क्यूब। अब क्यूब को ब्रैकेट के बाहर ले आएंगे। और अब 3 और 3 कट हो गया तो रह गया 2। इस माइनस साइन का मतलब है कि ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स है वो डिनोमिनेटर है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि अब हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। तो हो गया 3 स्क्वायर का मतलब है 9। और अब है
क्वेश्चन नंबर सिक्स का सेकंड पार्ट, इसमें है 64 to the power -2/3 डिवाइड 9 to the power -3/2। तो पहले हम 64 को क्यूब में लाने की कोशिश करेंगे। तो 64 को हम लिख सकते हैं 4 क्यूब, और 9 को हम स्क्वायर में लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब पावर स्क्वायर होगा तभी ये 2 और 2 कट हो जाएगा और हमें ये सम करने में आसानी होगी। अब ये 3 और 3 कट हो गया और 2 और 2 कट हो गया, तो रहेगा 4 - square / 3 - cube। 4 - square इसका मतलब है 1/4 square, और 3 - cube का मतलब है 1/3 cube। तो 4 square है 16 और 3 क्यूब है 27। अब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। ये आंसर आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो अब इसे हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाना है।